मैं आपको पांच ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना जो कि आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप तो सफल होना चाहते हो तो मत बताना, अगर नहीं तो भाई बताते घूमो। वीडियो को एंड तक देखना और जो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जरूर समझना। पहला यहाँ पर जो चीज है वो ये है गोल्स ऑफ योर लाइफ। हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आपको अजीब लग रहा होगा कि हम किसी को बताएंगे तो हमें मोटिवेट करेगा, हमें समझाएगा, हमें कुछ नए आइडियाज देगा, ऐसा सोचते हो तुम, लेकिन ये गलत है। लोग यहाँ पर दूसरों का भला नहीं चाहते, वो उल्टा आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको जो फोकस है वो हटाएंगे। वो बोलेंगे कि यार ये क्या बनना चाह रहा है, पागल है क्या, ये मत कर, तू पागल जैसे होगा ही नहीं, तो ये काम करना, दुनिया ये काम कर रही है। आपका जो फोकस होगा उसको भी हटा देंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो कोशिश करो कि अपने गोल्स के बारे में सबको मत बताओ। हाँ, जिन्हें चुने लोग होते हैं, दो चार होते हैं, उनको बताओ, अच्छी बात है, ताकि वो मोटिवेट करें, लेकिन सबको मत बताओ। लाइक आपकी टीम हो गई जो आपके साथ काम कर रही है, उसको बताना चाहिए, उनको बताओ, लेकिन सबको नहीं। दूसरी यहाँ पर एक चीज है वो ये है कि पर्सनल लाइफ। यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। आज मेरे घर में ये हुआ, आज मेरे घर में वो हुआ, आज हम ये लेने वाले हैं, कल लड़ाई हो गई, आज फंसे, ये क्यों बताते हो? डिस्कस करने के बहुत चीजें होती है भैया, अपनी पर्सनल लाइफ को बीच में मत लाओ। आपको बेशक लगता हो कि लोग आपकी प्रॉब्लम्स को सुनकर उसको सॉल्व करेंगे, उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई ये कर, ये मत कर, नहीं ऐसा नहीं होता। लोग तो उल्टा मसाला डालेंगे, लोग पता क्या करेंगे, आपके सामने तो आपको खूब सिंपैथी देंगे कि यार ये मत कर यार, तेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, मैं क्या करूँ प्लीज यार, ऐसा मत कर, मुझे खुद दुख हो रहा है यार, भाई तेरे साथ ऐसा हो गया। और बाद में पता क्या करते, चुगली की वो अब तक उसको परेशान रहता है, वो मेरे से ये कह रहा था, वो कह रहा था, भाई तो है ही ऐसा, ये दुनिया ऐसी है, साथ कब समझोगे तुम। थर्ड यहाँ पर चीज है गुड डीड्स। अपनी अच्छाइयों को कभी किसी को मत बताओ। बड़े बुढ़ों ने कहा है ना कि नेकी करो और दरिया में डालो, अपनी जो अच्छाइयाँ की है उसको बांटो मत। खुद की तारीफ क्या करना, तारीफ वो अच्छी होती है जो लोग आपकी करें। अगर आप खुद की खुद से तारीफ कर रहे हो तो क्या फायदा, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, मैंने इसको इतने रुपए उधार दिए थे, मैंने उसकी ये हेल्प करी थी, अगर मैं हेल्प नहीं करता तो उसका ये हो जाता, वो हो जाता। अरे ये तो गलत है, अगर आपको सुनाना ही था तो आपने किया क्यों, किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी कि भैया कर, भैया कर, मना कर देते। देखो यहाँ पर अच्छी बात है, आपने हेल्प की, अगर आप हेल्प नहीं करते तो पता नहीं उसका क्या होता, चलो मान लिया, लेकिन ये चीज बोलने की नहीं होती। इससे आप पता है सेल्फ सेंटर्ड लगते हो, सेल्फिश लगते हो, कि जो बंदा अपने में ही केंद्रित रहता है कि मैं ये, मैं वो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं, और लोगों के बारे में सोचो, आपने भलाई करी, अच्छी बात है, आगे भी भलाई करते रहो, लेकिन इसको सुनाओ मत। फोर्थ यहाँ पर पॉइंट है सीक्रेट्स, या कहें डार्क सीक्रेट्स। देखो हमारी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं ना जो कि हम किसी को भी नहीं बताना चाहते, लेकिन कई बार फ्लो फ्लो में बता डालते हैं, बाद में हमें याद आता है कि यार मुझे उसको ये चीज नहीं बतानी चाहिए थी, अगर उसने किसी को बता दिया तो बाद में हम कहते हैं कि सुन जो मैंने ये बात बताई थी ना तुझको, किसी को मत बताना, अब तुमने कह दिया कि किसी को मत बताना, अब ऐसा हो क्यों ना बताया, अरे नहीं वो तो बताएगा, तुमने कैसे कह दिया कि मत बताना, तो भाई यहाँ पर ना अपने सीक्रेट्स किसी को भी मत बताओ। तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा जिसको आपने सीक्रेट बताया है वो आपके साथ क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं, कोई हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी तो दुश्मनी होगी, कभी तो वाद विवाद होगा। अब ऐसे में वो आपको कह सकता है कि मैं तेरी ये चीज किसी को बता दूंगा, या नहीं भी कहेगा तो बता सकता है ना, और नहीं भी बताएगा तो आपको डर लगा रहेगा यार वो मेरी ये चीज किसी को ना बता दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, तो ऐसे में नुकसान आपका ही है। फिफ्थ यहाँ पर चीज है फाइनेंसेस। यहाँ पर भाई लोग इतने बावले हो गए अपने पैसे को लेके, अपने जायदाद को लेके, अपनी संपत्ति को लेके, कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मेरे पास इतनी जायदाद है, इतनी जमीन है, हाय क्या बताऊं। औरतें तो औरतें भैया, यहाँ पर तो आदमी भी इतने बावले हो चुके हैं ना कि आजकल शो ऑफ करने लग गए हैं। पहले कहा जाता था कि औरतें चुगलखोर होती हैं, अपनी तारीफें करती हैं, लेकिन आजकल तो मर्द भी कम नहीं है। अरे वो मैंने जो नई BMW ली है ना, और जो मेरा नया iPhone है वो बहुत अच्छा है यार। लाइक मुझे लगता था कि जो मैंने 10,000 की जींस ली है वो अच्छी नहीं होगी, लेकिन वो तो 8,000 की शर्ट से भी अच्छी है। लोग यहाँ पर अपनी तारीफ करने में कसर नहीं छोड़ते। देखो अच्छी बात है, आपने मेहनत करी है तो आप चाहते हो कि आपकी तारीफें हों, बट अपने मुंह से ही तारीफ करवाना ये गलत है। आपके पास सुतवा है, आपके पास शोहरत है, दौलत है तो दिखेगा, अगर है तो दिखेगा ही, और अगर लोग देखेंगे तो तारीफ भी करेंगे, तो आपको तारीफ करने की क्या जरूरत है। अब हाँ, अगर आप ढोल पीट रहे हो कि मेरे पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, तो इसका मतलब आपके पास नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो कभी दिखाते नहीं है, और जो लोग कहते हैं ना कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो मियां पैसा तो बहुत होता ही नहीं है। जिस दिन आपने ये कह दिया कि मेरे पास पैसा बहुत है, यानी कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि बस मैंने कमा लिया जितना कमाना था, बस मेरी इतनी भूख थी। जिस दिन भूख शांत हो जाती है ना, उस दिन पता है क्या होता है, पैसा जो होता है वो कम होने लग जाता है। पैसा इकट्ठा करने में बहुत दम लगता है साहब, लेकिन जब लक्ष्मी जी जाती है ना तो पता नहीं लगता। तो घमंड मत करो, और जो जो मैंने चीजें बताई वो मत करना, और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दिया करो, हमें पसंद आता है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन होगा उसको दबा देना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और लोगों तक जानी चाहिए तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी वीडियोस की और नोटिफिकेशन आपको चाहिए, तो सब्सक्राइब बटन जो मैंने बताया था ना उसके बगल में एक घंटा आता है, उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।